हेलो एवरीबॉडी, मैं जावेद सर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो आपका डॉक्यूमेंट है फॉर SSB के लिए, जो आपका इस COVID-19 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आपसे। तो वीडियो को 2 से 3 मिनट का होगा, कम्प्लीटली देख लेना। और COVID-19 की समस्या जो आ रही है उससे रिलेटेड हम कम्प्लीट बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मांगा गया है सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है उसके 2 प्रिंटआउट, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपके प्रिंटआउट हों वो कैसे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, ठीक है, कलरफुल होने चाहिए, याद कर लें। और फिर दूसरी बात करेंगे उसके आगे, फिर आपका कॉल लेटर। तो बात करते हैं कॉल लेटर कहाँ से डाउनलोड करें। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बात करते हैं कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करें। तो कॉल लेटर डाउनलोड करने का एक सिंपल सी तरीका है, जो आपके पास मेल आया है, ठीक है, जो आपके पास मेल आया है आप उस मेल पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर ओके करें और वहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अगर वैसे नहीं होता तो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर कोई डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा तो आप वहाँ पर कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपका भोपाल है, कहीं पर भी है, आप वो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात किया गया है यहाँ पर कि 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th। और यहाँ पर अगला है 10th और 12th क्लास ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी लेके आनी है। तो बात करते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों कुछ राज्यों में क्या होता है कि उनका पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है, ठीक है। तो जिसका पास नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट वो 10th की मार्कशीट ही उसका क्या होता है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है। और जो जा रहे हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से, डिग्री से, तो वो सभी लोगों को मेरी तरफ से सजेशन है कि वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या लेके जाएं, डिग्री लेके जाएं, ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है उसे लेकर जाएं। बात करते हैं फिर NCC सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसके पास हो वो लेकर जाएं, जिसके पास नहीं है वो लेकर ना जाएं, ठीक है, कोई भी जोर जबरदस्त नहीं है, जिसके पास हो वो लेकर जाएं। और इनके साथ साथ दो दो फोटो कॉपी लेकर जाएं, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, मगर ये आपको क्या लेकर आनी है, कलरफुल लेकर आनी है, याद रखें। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको और साथ में क्या लेके जाने हैं, इसमें आपको लेके जाने हैं आपको आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, जो आपके जाए जैसे कि जो आपने यूज़ किया है, ठीक है, जो आपने अपने एग्ज़ाम में यूज़ किया था वैसे ही लेके जाएँ, या फिर आइडेंटिटी प्रूफ वो लेके जाएँ जैसे कि आपने आधार कार्ड का यूज़ किया था अपने उसमें, तो आधार कार्ड लेके जाएं, या फिर आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर पासपोर्ट, वोटर आईडी, कुछ भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जैसे कि आपका TS वाला है तो उसका आप रोल नंबर लेके जाएंगे, TS की जो एंट्री है, मगर बात करते हैं NDA की, तो आप NDA के क्या लेके जाएंगे, रोल नंबर लेके जाएंगे। CDS का क्या लेके जाएंगे, रोल नंबर लेके जाएंगे, नेवी बीटेक का, आप समझ गए, आपको पता चल गया होगा सभी चीज़ का, ठीक है, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर है 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आप यहाँ पर लाइट जो आपका बैकग्राउंड लाइट वाला लेके जाएं, देखिए वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। और आप अपने उसमें पढ़ सकते हैं, जो आपका कॉल लेटर है उसमें सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं सभी पेजों को। उसके बाद फिर बात करते हैं हम आगे कि यहाँ पर जो रिस्क सर्टिफिकेट है अंडर 19, ठीक है, अंडर 18 वाला जो आपका है वो आपको एक जो आपका कॉल लेटर है उसमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, उसे आपको भर कर लेके आना है, जिसकी एज क्या है कि 18 ईयर से कम है, किससे, 18 साल से जिसकी उम्र कम है वो अपने पापा के सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पर एक फॉर्म होता है उसे भर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसलिए होता है कि अगर यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको रास्ते में या फिर कहीं पर भी, तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। उसके बाद फिर आगे कि आपका PIQ फॉर्म, एनी अदर दैट यू मेंटेन PIQ फॉर्म, ठीक है, तो आप PIQ फॉर्म में जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे कि आप NCC का सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि NOC का लगाना चाहते हैं तो उसका होना चाहिए, मतलब जो भी है आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो आप PIQ फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं जो COVID-19 है तो उसके लिए आपको अपना चेकअप कराना होगा और वहाँ से आपको क्या करना मिलेगा, एक इस टाइप का आपके पास फॉर्म होगा, ठीक है, COVID-19 फ्री, ठीक है, जो आपके लिए मेडिकल होगा और इसे सबको ले जाना अनिवार्य है, सबसे मेन चीज़ है इस बार के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फिर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इसमें सभी चीज़ें होंगी, उसे आपको फिलअप कराना होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि काफ़ी का डाउट है कि इसे कब को होना चाहिए, तो ये 18 जो जो आपकी जो जर्नी है, जैसे कि आपकी कोई भी जर्नी है उससे 48 ओवर पहले का होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम।
तो फिर बात करते हैं, आप इसे भर लेंगे और भरने के बाद डॉक्टर का सीरियल नंबर, ठीक है, डॉक्टर का नाम और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ज़रूर होना चाहिए और वो रॉन्ग ना हो, बिल्कुल करेक्ट हो, और जिसने इसकी रिपोर्ट है जिसके पास, वो अपनी रिपोर्ट ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। सभी लोग इसकी रिपोर्ट लेकर जाएँ, जिसके पास रिपोर्ट है उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट हो जाएगा वहाँ पर। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग बाहर कर देंगे आपको। तो इसे आप कहीं पर भी करा सकते हैं कि जैसे जैसे जहाँ पर भी इसके मेडिकल हैं, आप कहीं पर भी करा सकते हैं COVID-19 का, ठीक है, जगह जगह लगे हुए हैं। फिर बात करते हैं, आप अपने साथ अपने सारे ड्रेस लेके जाएं, और बात करते हैं ड्रेस कोड में क्या होता है, ड्रेस कोड कैसे, कौन कौन सी लेके जाएं, ड्रेस में क्या क्या लेके जाएं, तो उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, आप वेट करें, हम सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। और इससे अलग जो भी किसी क्वेरी हो आप दूर कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे भी कमेंट बॉक्स का कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम वीडियो के साथ और जेन्युइन वीडियो के साथ भरोसा भी देते हैं आपको, बिल्कुल आपको क्लियर चीज़ बताते हैं और आपके सभी के डाउट क्लियर करते हैं। यदि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और फैला दें अपने दोस्तों को और सभी में पहुँचा दें जो NDA TES और Navy BTech जिस चीज़ का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सभी को बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।